हेलो एवरीवन, मैं अरविंद, जेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का परीक्षा का जो फैसला है वो जल्द ही आने वाला है। तो लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को इंतजार है अपनी परीक्षाओं को लेकर कि कॉलेज की परीक्षाएं कब होंगी, बच्चे प्रमोट होंगे, उनकी एग्जाम कंडक्ट होगी। इसको लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है काफी समय से, अब वो आपका असमंजस दूर हो जाएगा जल्द से जल्द। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कब तक फैसला आने वाला है आपकी परीक्षाओं को लेकर कि आपकी परीक्षा होंगी, आपको प्रमोट किया जाएगा। जो कमेटी बनाई गई थी राजस्थान सरकार ने, वो कब तक रिपोर्ट सौंपेगी, उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें मेंशन होंगी और आपका भविष्य क्या निर्धारित होगा कि आपकी एग्जाम होंगी, प्रमोट होंगे या एग्जाम होंगी तो किस आधार पर होंगी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाला इस वीडियो के अंदर। और काफी लेटेस्ट अपडेट है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, जो ताजा खबरें आ रही है उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सारी बातें, तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना है। और जिस नंबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, अगर आपका कोई भी डाउट है एग्जाम के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप डीएम कर सकते हैं जेन्यून क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम में। इसके अलावा आप ट्विटर पर फॉलो कर लें, क्योंकि हम रेगुलर विद्यार्थियों के हित में काम कर रहे हैं, तो आप ट्विटर पर भी फॉलो करें, वहां पर भी हमसे जुड़े रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर कॉलेज परीक्षाओं को लेकर काफी समय से इंतजार किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं स्कूल की, लेकिन कॉलेज परीक्षाओं को लेकर लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को इंतजार है। और जैसा कि हमें पता था कि 10 जून के आसपास जो कमेटी बनाई गई है वो रिपोर्ट सौंपेगी। यस, बिल्कुल, कल जो है आपका निर्णय आ जाएगा कॉलेज परीक्षाओं को लेकर। कल जो कमेटी, मतलब कमेटी जो बनाई गई है, वो कल राजस्थान सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और राजस्थान सरकार आपकी परीक्षाओं को लेकर काफी बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो यस, आपका जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है और कल निर्णय आ जाएगा कि आपकी परीक्षाएं होंगी या आपको प्रमोट किया जाएगा। काफी सारे बच्चे रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगी, सर हम प्रमोट होंगे क्या, सर हमारी एग्जाम किस माध्यम से होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी। तो इन सभी बातों पर कल जो है प्रतिबिंब लग जाएगा और आपका जो सस्पेंस है वो क्लियर हो जाएगा। तो कल जो है रिपोर्ट सौंपेगी राजस्थान सरकार को जो कमेटी बनाई गई थी, 6 सदस्यीय, और कल निर्णय ले लिया जाएगा आपकी परीक्षाओं को लेकर, प्रमोशन को लेकर। तो ये बात, पहली बात क्लियर हो चुकी है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर कल निर्णय हो जाएगा 10 जून। तो कल आपके लिए बहुत खास दिन है, तो सुबह से ही बने रहे, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ में। कल काफी बड़ी अपडेट आएंगी, बहुत सारी अपडेट आएंगी, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बिल्कुल काफी ज्यादा अपडेट आने वाली है। तो मैं आगे चर्चा करूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं करियर ऑप्शन के रिगार्डिंग, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़ सकते हैं। 11 बजे मैं लाइव आ रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। अनअकैडमी डाउनलोड करने के बाद एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद फ्री लाइव क्लासेस में आए। उसके बाद प्रोमो कोड आपसे मांगेगा, तो प्रोमो कोड genuine10 लगाए, genuine10, genuine10 प्रोमो कोड लगाओ, क्लास ओपन हो जाएगी रोजाना 11 बजे सुबह, और शाम 8 बजे मैं लाइव आता हूं, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, जो भी डाउट है आप लाइव शेयर कर सकते हैं, मैं आपका पर्सनली रिप्लाई करूंगा लाइव सेशन के अंदर। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं, प्रोमो कोड genuine10 जरूर लगाएं। तो ये तो रही बात कि कल जो है 10 जून है और कल फैसला सुना दिया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा कि आपकी एग्जाम होगी, आपको प्रमोट किया जाएगा। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो 6 सदस्यीय कमेटी बनी है वो कमेटी क्या फैसला लेने वाली है, तो 6 सदस्यीय कमेटी क्या फैसला लेने वाली है या उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या क्या बातें रखी हैं। तो यहां पर आपकी जो एग्जाम है, आपकी जो एग्जाम है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर या पीजी कोर्सेज की एग्जाम है, उनकी सारी बातें हैं। अब काफी सारे जो कुलपति हैं वो सहमत हैं कि फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन सेकंड ईयर के लिए ज्यादातर जो विश्वविद्यालयों के कुलपति सहमत नहीं है। यस, सेकंड ईयर के लिए और फाइनल ईयर के लिए सभी कुलपति जो है सहमत नहीं है मैक्सिमम। तो अब जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की एग्जाम कैसे कराएंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर को प्रमोट करते हैं तो सेकंड ईयर फाइनल ईयर की एग्जाम करानी होगी। तो 6 सदस्य कमेटी ने रिपोर्ट में और भी सारी बातें लिखी हैं, जैसे कि मतलब आपकी जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में हो सकती है, ऑफलाइन मोड में भी हो सकती है, ओपन बुक भी हो सकती है। इसके अलावा आपके जो पेपर है उसका समय कम किया जा सकता है, एमसीक्यूज आपका पेपर मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें होंगी रिपोर्ट के अंदर, और फाइनल जो निर्णय लिया जाएगा वो राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री आपको बताएंगे कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो होंगी या नहीं होंगी, आपको प्रमोट
प्रमोट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 6 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी उनकी अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर देवस्वरूप, आप सभी को पता है, और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट के अंदर आपकी परीक्षाओं को लेकर, प्रमोशन को लेकर, या परीक्षाएं किस माध्यम से करवाई जाए, किस आधार पर करवाई जाए, इसके अलावा फॉर्मेट क्या रखा जाए, क्या सिलेबस को कम किया जाएगा, ज्यादा किया जाएगा, वो सारी बातें उस रिपोर्ट के अंदर है। और वो रिपोर्ट कल पेश कर दी जाएगी राजस्थान सरकार को और राजस्थान सरकार अंतिम निर्णय लेगी। तो यहां पर कल जो है कब तक आपका फैसला आ सकता है, तो कल दोपहर में आपका फैसला आ सकता है कॉलेज एग्जाम को लेकर, क्योंकि रिपोर्ट सौंपेगी, फिर सरकार उसको देखेगी कि रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बात मेंशन की गई है, क्या परीक्षा करानी चाहिए, अभी स्थिति क्या बन रही है राजस्थान प्रदेश में, कोरोना केसेस की संख्या कैसी है। तो यहां पर सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया जाएगा आपके कॉलेज एग्जाम को लेकर। और राज्यों को भी देखा जाएगा कि और राज्यों में क्या निर्णय लिया गया है। तो यूपी में जो है फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया, सेकेंड ईयर फाइनल के लिए अलग से गाइडलाइन बनाई है एग्जाम के लिए। तो राजस्थान प्रदेश के अंदर भी काफी फर्क पड़ेगा अन्य राज्यों का भी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी एग्जाम होती है, अगर आपकी एग्जाम होती है तो कब तक होगी। तो अभी जो है आपकी एग्जाम अगर होती है तो जुलाई मंथ में आपकी एग्जाम होने के चांस है। जून में तो नहीं होगी एग्जाम आपकी, क्योंकि जून में प्रक्रियाएं होंगी, अभी तो काफी सारा समय लगने वाला है, आपकी एग्जाम की तैयारी की जाएगी, उसके बाद में सेंटर अलॉट किए जाएंगे, उसके बाद में आपका टाइम टेबल जारी किया जाएगा, फिर आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी। तो यहां पर जो है एग्जाम काफी लेट होने वाली है अगर एग्जाम होती है सेकेंड ईयर फाइनल ईयर वालों की, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं प्रमोट होने के। अब काफी सारे बच्चे कमेंट करेंगे जो बीएड वाले हैं या जो अदर कोर्सेज वाले हैं, वो भी कमेंट करेंगे सर हमारा क्या होगा, हमारी एग्जाम कब तक हो सकती है। तो भाई यूजी पीजी की जो एग्जाम है उसका निर्णय ले लिया जाएगा तो आपकी एग्जाम पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, जब फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर को प्रमोट किया गया था तो यहां पर बीएससी बीएड जो 4 वर्षीय कोर्स वाले हैं उनके बच्चों को भी प्रमोट किया गया था, इसके अलावा जो 2 वर्षीय बीएड वाले हैं उनके भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को प्रमोट किया गया था। तो सभी कोर्सेज पर फर्क पड़ेगा, सबके लिए बराबर निर्णय किया जाएगा राजस्थान प्रदेश के अंदर। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्यादातर जो कुलपति हैं सभी विश्वविद्यालयों के, वो सहमति जता रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद बच्चों की परीक्षा हो, परीक्षा होनी चाहिए वो ऐसे कह रहे हैं, लेकिन पहले वैक्सीन लग जाए उसके बाद में आपकी एग्जाम कंडक्ट हो। तो अगर आपकी ऑफलाइन एग्जाम होती है तो वो काफी समय लगेगा, क्योंकि वैक्सीन अभी सभी को नहीं लगी है, वैक्सीन रेगुलर लग रही है सभी को, तो जब तक सभी वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक आपकी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगी। तो अगर ऑफलाइन परीक्षा होती है तो समय लगेगा, ऑनलाइन परीक्षा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ऑनलाइन आपकी परीक्षा हो सकती है। आप कुछ कोर्सेज की हो सकती है जिसमें ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन ऑनलाइन का माध्यम बिल्कुल जच रहा नहीं है। साथ ही जो है बहुवैकल्पीय आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, आपका सिलेबस कम किया जा सकता है, समय कम किया जा सकता है, 2 घंटे का आपका पेपर है उसको और भी कम किया जा सकता है, 1 घंटे का किया जा सकता है, 1.5 घंटे का आपका पेपर किया जा सकता है। तो इन सब बातों को लेकर कर चर्चा होगी राजस्थान सरकार द्वारा और उसके बाद में अंतिम निर्णय कल सुनाया जाएगा। तो जो हमारा इंतजार था कॉलेज परीक्षाओं को लेकर, एग्जाम को लेकर, वो अब जो है खत्म होता नजर आ रहा है और आपका जो कॉलेज परीक्षाओं को लेकर, प्रमोट को लेकर जो फैसला है कल सुना दिया जाएगा। तो कल आप जुड़ना ना भूलें, चैनल से जुड़े रहें, रेगुलर वीडियोज आएंगी, हम हो सकता है लाइव भी आए, आपको बताएं कि क्या फैसला लिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा कॉलेज परीक्षाओं को लेकर। तो ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।